इनका जो नेटवर्क है वो सिर्फ वाईफाई कनेक्ट करने पर आता है, और वाईफाई हटा देने पर जो वाईफाई डिस्कनेक्ट कर दो तो नेटवर्क चला जाता है। मार्केट में अगर 5G के नेटवर्क आ रहे हैं और आप इस अब नहीं बना पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको बहुत अपडेट होने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका स्कीमेटिक भी नहीं है, इसका बिट मैप भी नहीं है, क्योंकि एंड्रॉयड 11 प्लस का ये फ़ोन है। सो आप देखिए ये हमारा आ गया, तो ये काफ़ी यूनिक चीज़ है और ये आपने यूट्यूब में पहली बार देखी होगी, तो इसके लिए लाइक ज़रूर कर देना। माइनस में, और माइनस में 90 to 110 है तो फेयर टू पुअर माना जाएगा, पर अगर -10 के नीचे है तो उसको सिग्नल को अनस्टेबल माना जाएगा। आज हम आपको 5G नेटवर्क के वे प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये यूट्यूब में पहला वीडियो होने वाला है जो इस तरह से एक्सप्लेन मैं आपको करने वाला हूँ। *S*S*4636*S*S*। सो आप देखिए, आप कह रहे हैं कि सर वन प्लस में तो ये कोड चलेगा नहीं, ओप्पो वीवो बहुत सारे मोबाइलों में ये कोड चलता नहीं है। ठीक है, फिर से देखिए, देखो कि एक लिस्ट बन रही है 4G, तो ये जो लिस्ट बन रही है इसका ये मतलब है कि आपका जो ट्रांस रिसीवर है, फिर हमारा VIO, फिर हमारा डाटा, फिर हमारा क्लॉक, और फिर हमारा छोड़ के मिड बैंड। सो ले देखे आप देखें कि मुझे अगर अपने नेटवर्क सेक्शन के एक एक पिने याद हैं तो मैं आपको भी याद करा सकता हूँ, क्योंकि मैंने नेटवर्क सेक्शन को पढ़ा है काफ़ी डीप लेवल पर। उसको चेक करने का एक तरीका है जो बहुत से लोग नहीं जानते हैं, ये मैं आज पूरा खोल के दिखा रहा हूँ। अगर आप अपने नेटवर्क को 2G में सेलेक्ट करके चेक करेंगे APT को तो कभी नहीं आएगा, आपको 4G में ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। सो हाय, कैसे हैं आप सभी लोग, मैं देवेंद्र अग्रवाल। दोस्तों, हम आज एक फ़ोन बना रहे हैं, वन प्लस नोट 2 5G MediaTek प्रोसेसर। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं हमने इसका PFO निकाला हुआ है, ये वीडियो ये आप देख सकते हैं, ये हमने क्यों निकाला है और हम इस फ़ोन को नेटवर्क किस तरीके से बना रहे हैं, ये काफ़ी एक यूनिक प्रॉब्लम है। इसमें कस्टमर ये कह रहा है कि हमने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दें, इसमें कस्टमर ये कहता है कि इनका जो नेटवर्क है वो सिर्फ वाईफाई कनेक्ट करने पर आता है, और वाईफाई हटा देने पर जो वाईफाई डिस्कनेक्ट कर दो तो नेटवर्क चला जाता है, और जो इनके सिग्नल हैं वो काफ़ी वीक रहते हैं। तो जो 4G के सिग्नल्स हैं, जो जियो की सिम लगाते हैं, और जो 4G और 5G के सिग्नल्स हैं वो काफ़ी वीक है। सो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, आइए हम इसको फ़ोन को ऑन करते हैं। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि PFO निकला हुआ है तो नेटवर्क कैसे आएगा, तो मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा मैं ओके। तो देखिएगा ये वीडियो बहुत अच्छे से समझिएगा, अभी नए मार्केट में अगर 5G के नेटवर्क आ रहे हैं और आप इस अब नहीं बना पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको बहुत अपडेट होने की ज़रूरत है। और अगर आप 4G के नेटवर्क को भी नहीं जानते हैं और 5G बना रहे हैं तो मुझे लगता है कि पहले 4G नेटवर्क को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फिर जाके आप 5G नेटवर्क को समझ पाएंगे। सो इस फ़ोन का सबसे बड़ी बात यह है कि इसका स्कीमेटिक भी नहीं है, इसका बिट मैप भी नहीं है, मतलब इस फ़ोन का कुछ भी नहीं है। आप ये देखो, तो अभी आप देखोगे तो आप नोटिस करो कि कोई भी नेटवर्क नहीं है यहाँ पर, बट हमने वाईफाई कनेक्ट करके रखा हुआ है। हम दिखाते हैं आपको यहाँ पर, ये देखिए हमने अपना वाईफाई कनेक्ट करके रखा हुआ है, और अभी आप देखो तो नेटवर्क यहाँ पर क्रॉस आ रहा है। ठीक है, और अगर हम कॉलिंग भी करते हैं, सिम है इसके अंदर, अगर हम कॉलिंग भी करते हैं इसके अंदर तो देखो cannot connect to mobile network आ रहा है। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम है, अभी आप कहेंगे कि सर आएगा कैसे, PFO तो निकली हुई है। ठीक है, तो हम दिखाते हैं यहाँ पर, अब हम यहाँ पे वाईफाई को कनेक्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग सिग्नल के साथ। नोटिस करो, देखो इधर, तो ये जो हम वाईफाई है, हमने अपने वाईफाई को कनेक्ट किया स्ट्रॉन्ग सिग्नल के साथ। अभी वो जो वाईफाई था हमारा वीक सिग्नल में, अब आप देख सकते हैं हमारा वोल्टी आ चुका है, यहाँ पर आप देख लीजिए वोल्टी हमारा आ चुका है, और अब हम ये सिग्नल को चेक कर रहे हैं। ठीक है, सेम कंडीशन में हम वापस फ़ोन लगाएंगे तो देखिए, देखा फ़ोन लग गया। ठीक है, तो आप ये सोच रहे होंगे सर ये कैसे, ये पॉसिबल कैसे है, तो यही वीडियो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ आज पूरा। आज आप एशिया टेलीकॉम यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, इंडिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट, एक टेक्निकल, एक अपडेटेड, और जहाँ आपको अपडेटेड नॉलेज मिलेगा।
आज हम आपको 5G नेटवर्क के वे प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये YouTube में पहला वीडियो होने वाला है जो इस तरह से एक्सप्लेन मैं आपको करने वाला हूँ। एक ऐसा फ़ोन जिसका डायग्राम नहीं है, जिसका कोई बिटमैप नहीं है, और फिलहाल हमने इसकी IC के डाटाबेस निकाला है और IC के डाटाबेस से हम आपको इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। हमने यहाँ पर थोड़ा बहुत तो काम किया हुआ है और मैंने टेस्टिंग ऑलरेडी कर ली है, क्योंकि मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। बहुत सारे लोग पूछना चाहते हैं कि सर जो भी फ़ोन आ रहे हैं वो किस तरीके से नेटवर्क बन रहे हैं। तो ये एक डबल बैटरी का सेगमेंट का फ़ोन है। हम इसके डबल बैटरी के सेगमेंट पे भी एक वीडियो बनाएंगे, तो ये फ़ोन कस्टमर्स से हमारे पास एक दो दिन के लिए रहेगा, सो हम इस पर काफ़ी एक दो वीडियो बना के आपको डालेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे, देखो दोस्तों, सबसे पहले जब भी आपके पास प्रॉब्लम नेटवर्क की आए तो आपको करना क्या है। अब आप इधर देखिए, अब जैसे ही मैं वाईफाई को बंद कर देता हूँ, पहले आप देख लीजिए, देखिए जो इसमें सिम है वो इसमें सिम आ रही है, आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर सिम शो हो रही है। अब जैसे ही मैं वाईफाई को बंद कर देता हूँ, ये देखिए कॉलिंग भी आ गई है यहाँ पर। हेलो, हाँ हम नेटवर्क चेक कर रहे हैं, ठीक है जी जी, ठीक है, ये हमारा नंबर है, आप इस पर हमें कॉल कर सकते हैं एडमिशन के लिए। ये MD सर ने अभी उठाया था हमें कॉल, तो मैंने क्या बोला कि जैसे ही हम वाईफाई को बंद कर देंगे, नोटिस करो वाईफाई को बंद कर दिया, अब आप देखिए नेटवर्क पूरी तरीके से चला गया है हमारा। अगर हम वापस अब कॉल लगाते हैं हमारे नंबर पे, और तो ये आप देख सकते हैं कैन नॉट कनेक्ट टू मोबाइल नेटवर्क। अब अगर हम देखें कि अब हमें क्या क्या देखना है, तो सबसे पहले हम इसका देखेंगे IMEI नंबर, नोटिस करो, तो सेट का IMEI नंबर देखेंगे, तो आप देख सकते हैं ये सेट का IMEI नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब हम इसका देखेंगे बेस बैंड, और हम देखेंगे रेडियो पावर ऑन है कि ऑफ है। अब आप रेडियो पावर ऑन ऑफ तो आप समझते होंगे, है ना, आप देखते होंगे कि इंडिया के अंदर रेडियो पावर ऑन ऑफ जो चेक करने की जो सिक्योरिटी कोड है वो ये है ***4636*****। सो आप देखिए, आप कह रहे हैं कि सर वन प्लस में तो ये कोड चलेगा नहीं, ओप्पो वीवो बहुत सारे मोबाइलों में ये कोड चलता नहीं है, ठीक है। फिर से देखिए ***4636****। तो इसका क्या सलूशन है, तो उसका सलूशन है आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। ये एप्लीकेशन है आपकी 4G LTE, फोर्स LTE आप इसको बोलेंगे। जब आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे तो ये एंड्रॉयड के इंजीनियरिंग मोड को फोर्सली लाएगा। तो आप नोटिस करो, जब भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा। अब आपको मैथड 2 में जाना है, क्योंकि एंड्रॉयड 11 प्लस का ये फ़ोन है। सो आप देखिए ये हमारा आ गया, तो ये काफ़ी यूनिक चीज़ है और ये आपने यूट्यूब में पहली बार देखी होगी, तो इसके लिए लाइक ज़रूर कर देना, ये चीज़ें कोई नहीं सिखाता है, और अगर आपने सीख लिया तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट करके बताइएगा। अब देखो यहाँ पे IMEI नंबर शो हो रहा है, इसका मतलब IMEI नंबर ओके है, और रेडियो पावर ऑन जो कि हमें ऑन दिखाई दे रहा है। अच्छा, रेडियो पावर ऑन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि लिस्ट अब बनेगी या नहीं बनेगी ये चेक कर लेते हैं, पर रेडियो पावर ऑन है तो इसका मतलब लिस्ट बन सकती है, बट ये डिपेंड करता है हमारी रेडियो ट्रांसमिशन, मतलब रेडियो जो ट्रांसीसीवर IC है उसका। बट क्योंकि वाईफाई कनेक्ट करने पे कॉलिंग लग रही है, तो इसका मतलब है ट्रांसीसीवर IC हमारी ओके है। जब भी आपके पास ये फॉल्ट आए 5G के अंदर, 4G में पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, 5G के अंदर, तो आप ये समझ लेना कि आपके ट्रांसीसीवर तो ओके है, क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्टेड जो सिग्नल्स ले रही है वो एंटीना, वो वाईफाई के एंटीना से सिग्नल ले रही है, ठीक है। तो अभी कैसा है, अभी अपन को क्या करना है, अपन को DBM चेक करना है। अब आप सोचते होंगे व्हाट इज DBM, सो लेट मी टेल यू अबाउट द DBM। तो डेसिबल, इधर दिखाइए, डेसिबल मिली वॉट कहा जाता है। ये सिग्नल्स वो सिग्नल्स होते हैं जो आपके टावर से आते हैं, और ये लिखा हुआ है इट रिफर टू द अमाउंट ऑफ पावर एंड द एंटीना एम्पलीफायर इज एबल टू प्रोड्यूस। जो भी एम्पलीफायर होती है या जो भी प्रोड्यूस होती है एंटीना के थ्रू, उसको हम DBM कहते हैं। ये DBM हमें कुछ रेंज में मिलती है माइनस में, सो एक्चुअली इसको 0 to 100 में स्केल किया जाता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, अगर आपकी -80 के नीचे है तो ये एक्सेलेंट माना जाता है, प्रीमियम सबसे तेज। अगर 80 to 90 है तो गुड माइनस में, और -90 to 110 है तो फेयर टू पुअर माना जाएगा, पर अगर -10 के नीचे है तो उसको सिग्नल को अनस्टेबल माना जाएगा। अब अनस्टेबल क्या होता है, अनस्टेबल होता है जिसके अंदर वो आपके अप डाउन आते हैं,
अब हम इसका डीबीएम चेक करते हैं। तो देखिए हम इसका डीबीएम चेक कर रहे हैं, तो आप इसका डीबीएम देख सकते हैं। ये जो सारी चीजें हैं ये आपको देखनी पड़ती है, आपको बेसबैंड देखना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि हार्डवेयर से प्रॉब्लम है या आपका सॉफ्टवेयर से है। अगर मान लेते हैं सिम शो नहीं हो रही होती और बेसबैंड नहीं आता तो ये एक हम बोल देते कि हार्डवेयर प्रॉब्लम है, पर अगर बेसबैंड नहीं आ रहा है और सिम शो हो रही है तो ये सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम माना जाता है। अब देखिए इधर लगभग 100 के बराबर आ रहा है, विच इज रेफर टू द कि ये एक अनस्टेबल है। ये इससे पहले 110 ये कुछ इतना आ रहा था, और यही चीज़ अगर हम यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क के अंदर जाते हैं, सिम के अंदर जाते हैं, अब नेटवर्क आप देखें 3G और 2G, हम इसको 4G 3G और 2G में करते हैं और वाईफाई को बंद करते हैं और देखते हैं कि हमारा नेटवर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा। जब भी आपके पास फ़ोन आए नेटवर्क का, आपको नेटवर्क चेंज करते हुए आपको प्रेफर्ड नेटवर्क चेंज करना है और लिस्ट तीनों में बनानी है, ये आपको पता चल जाएगा कि आपका ट्रांसरिसीवर सही है कि नहीं है फिलहाल। तो देखिएगा इधर सिम शो हो रही है, ठीक है। अब हमने 4G 3G 2G में किया हुआ है इसको, ठीक है। अब हम कैरियर में जाएंगे, ऑटो सेलेक्ट हटाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे। तो ये जो पूरी प्रोसीजर है ये नेटवर्क की, ये आपको आनी चाहिए। देखो आप देखो कि एक लिस्ट बन रही है 4G, तो ये जो लिस्ट बन रही है इसका ये मतलब है कि आपका जो ट्रांस रिसीवर है वो बिल्कुल ओके है, आपको उसको छूना नहीं है। और यही रीज़न है कि वाईफाई कनेक्ट करने पर, क्योंकि अगर आप ट्रांस रिसीवर निकाल देते तो ये कभी भी कॉलिंग पे नहीं आता। अब हमें वापस जाना है और 3G और 2G पर अपनी लिस्ट बनाना है। सो देखो यहाँ पर आपको कोई भी लिस्ट नहीं मिल रही है, ठीक है। अब हम वापस जाएंगे और 2G पर लिस्ट बनाएंगे। सो आप देख सकते हैं कि हमें जो 4G 3G 2G उस पर लिस्ट बना, पर हमें 2G और 3G पर लिस्ट नहीं बना। इसका मतलब हमें PFO की ओर जाना है, और जो हमारा जो PFO होने वाला है वो मिड रेंज PFO या 2G का PFO होने वाला है। तो ये हमारा OnePlus का बेसिकली नेटवर्क का एरिया है, सेक्शन है, ठीक है। हम यहाँ पे देखेंगे ये वाला जो IC है, ये आपका इस IC की अगर मैं बात करता हूँ आपको, तो चलिए ये आपका मिड हाई बैंड और ये आपका 2G लो बैंड IC है, ठीक है। आप देखें कि नेटवर्क सेक्शन के अंदर PFO बहुत सारे देखने को मिलेंगे। अगर आप मेरे से पढ़ने आएंगे तो मैं आपको ये सारी नेटवर्क की जानकारी दूंगा, क्योंकि हमारा सेगमेंट होता है पहले हम 4G पढ़ाते हैं, हम फिर अपडेट में नेटवर्क देते हैं, और हमारा भी नया एप्लीकेशन बन रहा है जो 2-3 महीने के अंदर तैयार हो जाएगा, जो हम अपने सारे स्टूडेंट को देने वाले हैं। अब यहाँ पर क्या होने वाला है कि हमने ये IC इसलिए उठाई है क्योंकि इसके अंदर बेसिकली जो हमारा ट्रांस रिसीवर है, मतलब MediaTek का जो हमारा ट्रांस रिसीवर है वो बिल्कुल ओके है, हमें उसको छेड़ना नहीं है। और हम इसलिए हमने 2G और एक मिड हाई बैंड उठाया है हम इसको, क्योंकि कस्टमर का फॉल्ट है कि अनस्टेबल नेटवर्क आ रहे हैं। तो ये जो अनस्टेबल नेटवर्क आते हैं ये 2G और इससे है, तो हम पहले इस IC पे काम कर रहे हैं। अगर इससे ठीक हो जाता है मामला तो हम फिर इस IC पे जाएंगे। जो वाईफाई कनेक्ट करने के बाद अगर हमें इस नेटवर्क मिल जाता है तो हमारा मामला सही हो जाएगा, हम इस IC को चेंज कर रहे हैं। अब इस IC को चेंज करने के साथ मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आपका नेटवर्क अनस्टेबल होता है या सिग्नल आपके अप डाउन जाते हैं या लो होते हैं, तो आपको PFO पे ही काम करना है, सीधे WTR SDR या ट्रांस रिसीवर जैसे IC पे काम नहीं करना है। आप देखें इस IC के अंदर अगर हम समझें तो हमारा शुरू के जो 3 है वो ग्राउंड है, इसके बाद दो लाइन है हमारी वो TRX मिड बैंड की लाइन है, ठीक है, 3G कह सकते हैं। इसके बाद फिर हमारी ग्राउंड है, फिर हमारी एक बैंड 7, फिर हमारी बैंड 40, फिर हमारी बैंड 41, फिर 1, 2, 3, 4 ग्राउंड है हमारी, फिर उसके बाद 1, 2 जी है जो हमारी ये VCC है, यहाँ पर हमें 3.4 समथिंग वोल्टेज मिलना चाहिए। ये जो वोल्टेज मिलेगा ये आपको इन ICO से देखने को मिलेगा, ये जो आपकी MediaTek की IC है, ये जो IC है ये आपकी MT63, ये आप कह सकते हैं कि आपके MediaTek की एक APT जो जिसको हम एवरेज पावर ट्रैकिंग कहते हैं। जैसे क्वालकॉम के अंदर यही IC हमें QET देखने को मिलती है, ठीक है। MediaTek में 4G में क्या होता था, पावर से आती थी, पर इन्होंने अलग से पावर बना दी है। तो यहाँ पर हम इसको बाईपास भी कर सकते हैं, ये हमारा ग्राउंड है, ये हमारा हाई बैंड इन है, फिर इसके बाद ये हमारा ग्राउंड है, फिर ये दो हमारे, ये हमारा डाटा
और ये हमारा क्लॉक, मतलब ये रिफर करेगा आपका RFFE। फिर इसके बाद हमारा है VIO, फिर हमारा दो BBAT, फिर हमारा VIO, फिर हमारा डाटा, फिर हमारा क्लॉक और फिर हमारा छोड़ के मिड बैंड। सो ले देके आप देखें कि मुझे अगर अपने नेटवर्क सेक्शन के एक एक पिन याद हैं तो मैं आपको भी याद करा सकता हूँ, क्योंकि मैंने नेटवर्क सेक्शन को पढ़ा है काफ़ी डीप लेवल पे और एशिया टेलीकॉम का जो अनुभव है वो काफ़ी पुराना है, काफ़ी सालों से हम स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं और हमारे को पढ़ाने का टीचिंग का एक्सपीरियंस सबसे ज़बरदस्त है। हमें पता है कि टीचिंग में थ्योरी का नॉलेज कहीं ज़्यादा प्रैक्टिकल का नॉलेज बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभी जितने भी जो लोग हैं जो ICU पे काम नहीं कर पाते, उनके लिए सबसे पहले IC का काम प्लस थ्योरी दोनों अगर मिल जाए तो उनका जो टारगेट है वो सेट हो जाता है और वो 3 महीने के अंदर काफ़ी अच्छे अमाउंट ऑफ नंबर पे चले जाते हैं, जिससे वो एक टीचर बनने की स्टेट में पहुंच जाते हैं। एशिया टेलीकॉम का यही मानना है कि हर चीज़ सिखाओ स्टेप टू स्टेप, और आपका भी मानना शायद यही होगा, क्योंकि आप भी नहीं चाहेंगे कि एक दिन में आप सब कुछ सीखें, और एक दिन में सब कुछ सीखा भी नहीं जा सकता है। सो आइए अब हम थोड़ा प्रैक्टिकली इसको वोल्टेज को दिखाते हैं। तो यहाँ पे मैं जूम करूँगा, तो सबसे पहले मैं वोल्टेज चेक करूँगा अपने, अगर मेरे सारे वोल्टेज सही हैं तो फिर मुझे सिर्फ ये PFO चेंज करना है। सबसे पहले इस पूरी लाइन में मुझे यहाँ और यहाँ 3.4 या 3.5 3.8 समथिंग वोल्टेज चाहिए। सो अभी आप देखेंगे वोल्टेज हमारा जीरो है, ठीक है। अगर हम क्यों, क्योंकि हमने फ़ोन अभी चालू नहीं किया, हमें फ़ोन को स्टार्ट करना है। अगर हम यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ से 24वां और 25वें नंबर पे, तो 19, 20, 21, 22, 23, 24, तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर हमें मिलना चाहिए अपने 4 वोल्टेज। तो आप देखें यहाँ पर हमें 4 वोल्टेज मिल रहा है, बट अब हम फ़ोन को प्रॉपर तरीके से ऑन कर, देखो फ़ोन हमारा ऑन ही है। अब हम यहाँ पर हमें वोल्टेज चेक करना है, तो हम कैसे चेक करेंगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। वाईफाई को ऑन कर लेते हैं और जो भी पूरे नेटवर्क है वो आने देते हैं, क्योंकि हमें इससे पता चल जाएगा कि हमारा जो वोल्टेज है वो प्रॉपर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि वोल्टेज आ रहे हो और हम ज़बरदस्ती किसी पे भी जम्पर मार दें। अब हम वोल्टेज को वापस चेक करेंगे, तो ये जो वोल्टेज रहने वाला है ये हमारा, ये दो वोल्टेज है जिस पे हमें VCC के वोल्टेज मिलने वाले हैं APT मॉड्यूलेटर। नोटिस कीजिए गाइस, तो 19 ये 17 बेसिकली जो हमारा 18 नंबर है आप देखो तो उस पर हम चेक करेंगे तो उस पे हमें अभी कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है। जो APT के वोल्टेज है उनको चेक करने का एक तरीका है जो बहुत से लोग नहीं जानते हैं, ये मैं आज पूरा खोल के दिखा रहा हूँ। अगर आप अपने नेटवर्क को 2G में सेलेक्ट करके चेक करेंगे APT को तो कभी नहीं आएगा, आपको 4G में ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब आप फिर से APT पर जाएंगे क्योंकि वो 4G PFO के लिए ही है, 2G के लिए नहीं है। तो देखिए 3.4 दिख रहा है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो नेट, हमारे जो वोल्टेज हैं वो प्रॉपर बन रहे हैं, हमारे को VCC VIO BBAT हमारे को प्रॉपर मिल रहा है। RFFE का कोई सीन इसलिए नहीं है और ना ही हम चेक करेंगे और ज़बरदस्ती आपको चेक करके दिखाएंगे वीडियो लंबा करने के लिए कि क्यों, क्योंकि रेडियो ऑन है तो RFFE चेक करने का कोई सेंस बनता नहीं है। अगर RFFE से प्रॉब्लम होता तो रेडियो ऑफ होता, बट हम यहाँ पे देख रहे हैं कि रेडियो ऑफ होता तो कॉलिंग भी कभी लगती नहीं, बट क्योंकि यहाँ पे कॉलिंग भी हो रही है और ये ट्रांसरिसीवर का प्रॉब्लम नहीं है, ये एक PFO का प्रॉब्लम है। हम यहाँ पे एक PFO लगाएंगे क्योंकि ये कॉमन प्रॉब्लम है, अगर आप इसको नहीं बना पा रहे हैं तो आपको यही PFO चेंज करना है। तो चलिए आइए इस PFO को चेंज करते हैं। लोगों को PFO लगाने में अपने फ़ोन को जनरली क्या करते हैं कि ख़राब कर देते हैं। आपने कई बार PFO लगाते समय अपने फ़ोन को टैम्पर कर दिया होगा, आज मैं आपको PFO लगाने का एक सबसे सही तरीका बताऊंगा। ये हमारा PFO होने वाला है, दिखा दीजिए, ठीक है। यहाँ पर ये क्रॉस कीजिए उसको, तो देखो, ठीक है, ये PFO का जो नंबर है ये 7048B है। हम इस PFO को पहले रिबॉल करेंगे प्रॉपर तरीके से,
और अगर आप पीएफओ को रिवॉल्व नहीं करते हैं तो पीएफओ को रिवॉल्व करना सीखिए। सही तरीका पीएफओ को यही है, रिवॉल्व करके लगाएं। इससे पीएफओ वन टाइम में कनेक्ट होती है, तो जो भी अगर ये सोचते हैं कि पीएफओ को सिर्फ उठा के रख दें तो अपडेट होइए थोड़ा सा। हाँ बोलना, अभी एक घंटे में कर देंगे। नहीं क्या क्या हो गया? तीन बिल्डिंग में चलता था तो आग लगी, पूरा खत्म हो गया। अच्छा, फिर बहुत बड़ा, कई लोग मर गए, इतना बड़ा था। अच्छा, कई लोग ने पड़ गए, कई लोग मर गए, मतलब पता नहीं पाया। अरे दिल्ली वाला जैसा, कितने लोग मर गए? कम पांच सात बच्चे बड़े, और अभी तो अंदर फंसे हैं बहुत। तो जो दो पैड हमारे निकले थे हम उन दो पैड को भी रिवॉल्व कर दिए। ठीक है, तो आप आईसी देख सकते हैं। ये जो तरीका है आईसी लगाने का, ये प्रोफेशनल तरीका है। आई होप कि आपको ये इंस्टीट्यूट में सिखाया गया होगा, और अगर नहीं सिखाया तो प्रोफेशनल तरीका तो होना ही चाहिए ना यार। देखो इसमें हंसने की बात क्या है, अगर आपको पीएफओ आप ऐसे ही रख के लगा रहे हो, आपका पीएफओ लग रहा है तो वो 10 में से 4 है, बाकी 6 तो आप फ़ोन को टैम्पर कर रहे हो। खैर, हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हीट देंगे। ठीक है, अब हमारा पीएफओ करे लगने के लिए तैयार है, और ये वन टाइम में लगेगा क्योंकि इसके हर एक बॉल परफेक्ट है। अब हम अपना बोर्ड को लेते हैं, और अपना पीएफओ को आपको इसको भी थोड़ा सा क्लीन करना है।
ठीक है। ये देखिए ये मूवमेंट हुआ इसी में, ठीक है। तो हमने अपना काम कर दिया है, अब हम एक बार फ़ोन को पीसीबी लगा के चेक करके आपको दिखाते हैं। सो देखो हमने अपना नेटवर्क लगा दिया है, मतलब पीएफओ, ये देखिए दिखाते हैं। ठीक है, और हमने अपने बोर्ड को भी फिक्स कर दिया है। तो यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे, अब आप देख सकते हो सबसे पहले हमारा वाईफाई बंद है। ठीक है, सेटिंग में भी देख लो, जो वाईफाई है वो कम्प्लीटली ऑन ऑफ है, और अब हमारा नेटवर्क पूरा आ रहा है फुल डंडे के साथ। और अगर हम कॉलिंग करें हमारे एडमिशन वाले नंबर पे, तो देखो पहले कॉल कैनॉट कनेक्ट आ रही थी, ये आप देख सकते हैं। तो हमारा आप देख सकते हैं पूरी तरीके से नेटवर्क ओके हो गया है। अब मैं आपको डीबी सिग्नल दिखाना चाहूँगा, तो उसके लिए हम आपको वही हमारे 4G फोर्स LTE एप्लीकेशन में लेके चलते हैं। तो आप नोटिस करो, अब ये -87 है, ये देखो दिखाओ यहाँ पर जूम करके, दिख रहा है, देखो -90 -80 और -80 गुड। इसका मतलब हमारा जो सिग्नल है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। अगर ये -80 के नीचे जाए तो ये एक्सेलेंट सिग्नल माना जाता है। सो -88 87 ये आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा सिग्नल भी काफ़ी बढ़िया है। तो कैसा लगा ये वीडियो पूरा आपको बताएगा ज़रूर। और अगर आप स्टडी करना चाहते हैं, आप फ्रेशर हैं, आप डिस्प्ले का काम करते हैं, और आप एक ऐसा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हैं जो बेसिकली क्वालिटी वर्क पर ध्यान दे, आप चाहते हैं कि मैं एक बार पैसा लगाऊं पर जेन्युइन हो, 100% मुझे रिजल्ट मिले, और मुझे क्योंकि एक बार तो आप भी नहीं सीख पाएंगे और कोई सिखा भी नहीं पाएगा, तो आपको बार बार कनेक्ट होना पड़े, आपको अपडेट मिलते रहें, आपको समय समय पर नए नए गैजेट का पता चलता रहे। आप देख सकते हैं कि मैं काफ़ी अपडेटेड टूल यूज़ करता हूँ पूरे इंडिया में। इसका रीज़न ये है कि मैं अपनी फील्ड में, मुझे अपडेट रहना काफ़ी पसंद है। ठीक है, और आप एंड्रॉयड के कोर्स के अंदर हमसे आईफोन का जो कोर्स है, जितने भी एंड्रॉयड के स्टूडेंट हैं मैं उनको आईफोन के अपने कोर्स भी ऑफर करता हूँ,
वो हम मेरे आईफोन के कोर्स को भी ले सकते हैं, पढ़िए हमारे से, पढ़ने के 3 महीने के बाद हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट अपने आईफोन के कोर्स देते हैं जिसकी वैल्यू लगभग 1 लाख के ऊपर है, जिसमें A6 से लेकर A14 प्रो मैक्स तक का CPU और बहुत सारे चैप्टर है, पर वो बहुत बात की बात है। देखो एशिया टेलीकॉम में सब कुछ मिलेगा, हैंड स्किल, डाटा और सर्किट और एक अच्छा एक्सपीरियंस। आप मुझे पढ़ाते हुए देखोगे, आप मिलन सर को, दुर्गेश सर को, MD सर को, हमारी जो टीम है वो उनको पढ़ाते हुए देखोगे, आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। और यहाँ पर वीडियो आपको चैप्टर दिए जाएंगे, यहाँ लिखने का कोई सीन नहीं है कि आप बैठ के पूरे दिन लिख रहे हो, रट रहे हो। तो ये सर टेलीकॉम काफ़ी एडवांस है, आप हमें फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं और आप हमारे हर महीने की 28 तारीख की जो बैच होती है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस महीने भी 28 तारीख को बैच है, आप चाहें तो अभी कॉल कर सकते हैं और 28 तारीख को हमारे को जबलपुर मध्य प्रदेश में हमें ज्वाइन कर सकते हैं। खाना रहना सब कुछ फ्री है, सब कुछ फीस के अंदर है, रहना खाना कोर्स की हर डिटेलिंग, आपको फ़ोन की PCB भी सब कुछ हम देंगे, चालू फ़ोन हम ट्रेसिंग भी चालू फ़ोन में करेंगे और मोबाइल के IC निकालना लगाना भी चालू फ़ोन में करेंगे। और ये हम गारंटी बोलते हैं पूरे इंडिया में एक अकेले हम, कि तीसरे दिन में लाइव पावर, चौथे दिन में CPU करवाएंगे आपसे और स्वैपिंग करोगे आप उसके चौथे पांचवें दिन में, और डेली CPU MMC का काम करोगे। अगर लाइट एक्सचेंज सीखोगे तो भी CPU MMC करोगे, क्योंकि हमारा काम है हैंड स्किल प्रॉपर करना। डुअल डेकर की रैम डेली बनाएंगे, डुअल डेकर का CPU बनाएंगे, तो अलग ही लेवल पे हम लेके जाएंगे। हमारे क्लास का सिलेबस काफ़ी एक्सपीरियंस सिलेबस है, हम 3-4 महीने या 1 साल से वो इंस्टीट्यूट नहीं है जो 1 साल से अभी आकर बैठे हुए हैं और हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या पढ़ाना है। आए सवेरे बैठे, बोर्नियो खोल लिए, लाओ भाई एक मोबाइल लाओ, ये देखो इसमें ये फॉल्ट है, बना के आपको यहाँ आपको सामने बैठ के ताली नहीं बजानी है, हम आपसे काम करवाएंगे और आपके लिए हम ताली बजाएंगे, ठीक है। सो आइए एशिया टेलीकॉम में, 7000731192 कॉल करो, www.eshiatelecom.in। मैं हूँ देवदन अग्रवाल, को फाउंडर एशिया टेलीकॉम, थैंक यू वेरी मच। आईफोन 13 लाइव है, आईफोन 12, आईफोन X, आईफोन 7, आईफोन 8 सब लाइव करके उसमें डाला है वीडियो और सिस्टम से डाला है, ऐसा नहीं कि एक पूरा वीडियो डाल दिया। रिबोलिंग का पहले हर चीज को बोल कर कि कहां आपने कितनी हीट रखनी है, सिर्फ IC क्लीनिंग के मैंने कम से कम 6 वीडियो डाले हैं ग्लू कट करने के, और 6 अलग अलग वीडियो जो पूरे इंडस्ट्री में, मतलब उन्हीं को पता है जो वाकई में चाइना से काम करके आए अपने, क्योंकि मैंने हर टेक्निक डाली है, मैंने ग्लू से कैसे कट करना है, सिर्फ क्या बोलते हैं ट्विजर से कैसे कट करना है, ब्रश से कैसे कट करना है, क्लीन करना है, हीटर से कैसे क्लीन करना है, थिनर से कैसे क्लीन करना है, हर एक वो सेम मेथड मैंने 20 सेकंड के अंदर सिर्फ CPU क्लीन करके दिखाया है, जो कि वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट तरीका है, सेफेस्ट तरीका, CPU हार्म भी नहीं होता। तो वो सारे वीडियो डाले बहुत, उसके अंदर 500 प्लस वीडियो है। बट आई रिक्वेस्ट यू ऑल, जिनको भी ये मिला, सबसे पहले आईफोन 6 देखना है। आईफोन 6 में टोटल 35 चैप्टर है जिसके अंदर बूट चुके हैं, तो बैटरी करेक्टर से चालू होकर, क्योंकि आईफोन 6 के प्रोटोकॉल सबसे पहले समझ में आएंगे। हेलो सीधे X में चले जाओगे, 12 में चले जाओगे और 14 में चले जाओगे तो समझ में नहीं आएगा। iPhone 6 के बाद iPhone 7 देखना है, iPhone 7 के बाद iPhone X, X के बाद 11 और 11 के बाद 12 और उसके बाद 13-14 और बातचीत फिर मैं अपडेट करते ही रहे। ये आपका वैलिड रहेगा 2 साल तक, 2 साल आप इसको रखें, ये 2 जगह आप चला सकते हैं, मोबाइल में कहीं पर भी बैठकर और अपने लैपटॉप में, तीसरी जगह आपने अगर कोशिश भी की तो वो ब्लॉक हो जाएगा, मैं उसको कुछ नहीं कर सकता। अगर आपने अपनी ID अपना पासवर्ड किसी और को देने की कोशिश की तो वो ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि वो यूज़र ID को चेक करता है, सिक्योरिटी 1 नंबर है, इसलिए उसको बहुत पैसे, मतलब क्लास पल्स है जिसका एडवर्टाइजमेंट करता है सौरभ गांगुली, तो वो है। तो आप देखो यहाँ पर मेरे को उसी का तक निकला हुआ है, टॉप 3 एजुकेटर रहा क्लास पल्स में, क्योंकि खूब बिका, बहुत सारे इंस्टीट्यूट के बच्चों ने मेरे से खरीदा, क्योंकि लोग आईफोन के 80,000-1,00,000 नहीं देना चाहते हैं, वो एंड्रॉयड पे ऑलरेडी CPU निकाल रहे हैं, उनको आईसी स्किल ऑलरेडी है, डायग्राम पढ़ना एंड्रॉयड का आता है, तो उनको आईफोन के अंदर घुसना है, तो ये सबसे आसान तरीका था उनके लिए। तो ये मैंने 2022 से बनाना चालू किया है, 24 तक अभी ये
लाओ यार जल्दी लाओ, हो गया तो कि ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, क्योंकि अगर हमारा मोबाइल फोन का एम्पेयर एक के ऊपर नहीं जा रहा है तो वो फास्ट चार्जिंग कभी करेगा ही नहीं। ओवर से आपको पता ही होगा आपका मोबाइल फास्ट चार्जिंग 2 एम्पियर 2.2 इस तरीके से चार्ज करता है 1.8 1.6, बट अगर आपका मोबाइल इतना जा ही नहीं रहा है, 0.6 पे अटका है, 0.7 0.8 या और ब्लो चला गया है, अगर मान लो आपने चार्जर लगाया अभी 0.6 आया और सडनली वो जंप करके जीरो पे चला गया, तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि 0.6 पर आना और उसके बाद जीरो पे आना तो ये भी एक लॉजिक बनता है इसके पीछे, जिसको समझना इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत बड़ा एक नियम है, एक प्रॉपर्टी, एक फंडामेंटल। स्टूडेंट है और ये इनके पास एक बोर्ड है, कैसा बोर्ड है बताओ? सर ओप्पो का पेस्टेड ब्लैक पेस्टेड है, ओप्पो का 37 जो कि हार्ड ब्लैक पेस्टेड होता है, यहाँ पे ये देख लो आप, और इसको ये रिमूव करने वाले हैं, इसका फुल प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा और ये पूरा प्रोसेस दिखाएंगे, क्लीनिंग निकालना रिमूव ग्लू कटिंग हर एक चीज़ दिखाने वाले हैं। चलिए ठीक है, चलिए सर बहुत कॉन्फिडेंट हूँ मैं और बहुत ही ईजी वे से हमें जैसे सब सिखाया गया, हम स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं, उस हिसाब से हमने सफल हो रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा था। इससे पहले आप करते थे क्या? नहीं सर, हमें ब्लैक बेस्ट काम कभी नहीं किया, यहाँ आके फर्स्ट टाइम। फुल कंप्लीट प्रोसेस देखा, क्लीनिंग सब देखा पूरा, यहाँ पे देख सकते हैं एक भी पैड डैमेज नहीं हुआ। वीवो ओप्पो का फ़ोन है तो भी A37 जो कि बहुत हार्ड ब्लू होता है जी सर, सबसे हार्ड होता है ये ब्लैक ब्लू, और नॉर्मल सेटों के तो और आसानी से निकल जाते हैं, पर ये ओप्पो के सेटों में जो ब्लैक ब्लू पेस्टेड होता है बहुत। सो मोबाइल पे मोबाइल आ रहे हैं, प्लेट आपका जो प्लेटफॉर्म है जो टेबल है वो मोबाइल से सज गया है, पर बनाना नहीं आता है। क्यों भाई? बनाना सीखो, अभी सर्किट इतना हाईफाई हो गया है और वो सर्किट को सीखना पड़ेगा, सिर्फ सीपीयू रिवॉल्व करने से या पावर रिवॉल्व करने से कुछ नहीं होगा, सर्किट सीखना है। और अगर आईसी रिवॉल्व करना नहीं आती तो वो भी सिखाएंगे, और लगाना नहीं आती तो वो भी लगाएंगे, 3 दिन में पावर और 14 दिन में सीपीयू की गारंटी देते हैं। एसर टेलीकॉम ज्वाइन करो, मोबाइल रिपेयरिंग करना है मास्टर बनाएंगे। हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत। मिस्टर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया हो, क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? सीपीयू निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं? जो स्टूडेंट रिपेयरिंग की क्लासेज ज्वाइन नहीं कर सकते या जिन्होंने क्लासेज ज्वाइन की हैं और जिनको और थोड़ा सा नॉलेज चाहिए तो वो रेफरेंस के लिए ये बुक परचेस कर सकते हैं, जिसके अंदर आईसी डाटा शीट, हार्डवेयर सर्किट, पावर बूट सुटकेस, मोबाइल वर्किंग टेस्टिंग, आपकी जो कंपोनेंट की टेस्टिंग है, नेटवर्क सोल्यूशन, मीडिया टेक सीपीयू स्पेशल, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको ये मिलने वाला है। और ये इसके अंदर सर्किट का तो नॉलेज मैंने आपको दिया ही है, साथ में इसके अंदर कंपोनेंट टेस्टिंग ये सारी चीज़ें इसमें बहुत अच्छे से बताई हैं, सर्किटों के बारे में बताया है, टूल्स के बारे में बताया है, तो ये सारी चीज़ बेसिकली उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी जो कम पैसे में थोड़ा सा नॉलेज चाहते हैं यूट्यूब से ज़्यादा, तो ये यूट्यूब से ज़्यादा का नॉलेज है, ठीक है, जिसके अंदर आप नेटवर्क के सोल्यूशन से हैं, आईसी डाटा सीट हो गई, बहुत सारा सब कुछ है। ये 400 के ऊपर के बनने की ये बुक होने वाली है,
जिसके अंदर इतिहास से लेके एडवांस तक का आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा। तो इस बुक को परचेस करें। इस बुक की कीमत बहुत ज़्यादा है, पर इसको 50% पे बेचा जा रहा है। तो आप इस बुक को केवल और केवल वेबसाइट से परचेस करें ऑनलाइन, और ये आपके 8 से 10 दिन के अंदर आपके पास पहुँच जाएगी। इसको परचेस करने के लिए एसर टेलीकॉम की वेबसाइट में जाना है आपको, और से भी ये वहीं से परचेस होगी, ठीक है। और क्योंकि ये बुक का नया एडिशन है मीडिया टेक स्पेशल, हर साल हर 6 महीने में मैं इस बुक को अपडेट करता हूँ, और इसमें जो नया एडिशन है अभी मीडिया टेक का डाला हुआ है, तो ये आप इसको चेक कर सकते हैं, जिसके अंदर डिटेलिंग बहुत अच्छे से दी गई है कि कौन सी ICE में कितने वोल्टेज बनते हैं, किस तरह से हमें कहाँ पर लाइन पर फ्रिक्वेंसी चेक करना है। इवन यहाँ पर DSO की भी अच्छी जानकारी मैंने दी है, पर मैं DSO को लेकर काफ़ी कुछ नया अपडेट करूँगा इस बुक में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। इस बुक को जरूर परचेस करें।